ज्योतिष शास्त्र में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान पुण्य करना बहुत लाभदायक होता है। इस बार की वैशाख पूर्णिमा बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि 130 साल बाद इस दिन एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। दरअसल इस बार वैशाख पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, ऐसा 130 साल बाद हो रहा है। इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन पड़ने से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा 5 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपीटी अध्यात्म और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 4 मई की रात 11:35 से शुरू होगी और 5 मई को रात 11:02 पर समाप्त होगी, लेकिन पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय से मानी जाती है, इसलिए 5 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 5:58 पर होगा। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी बहुत महत्व है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं। स्नान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 4:11 से शुरू होकर 4:55 तक रहेगा। 5 मई की रात को ही करीब 8 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो देर रात 1 तक चलेगा। वहीं धर्मशास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत पुण्य देता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान बुद्ध की पूजा भी की जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी के 5 दीपक जलाएं, ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहे जेबीटी अध्यात्म के साथ। नमस्कार।